हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। दिस योर बॉय ज़िशान मिर्ज़ा आ चुका है एक और बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। ये वीडियो ना कि एक व्लॉग है, ना कि एक फनी वीडियो है। आज ये वीडियो सबसे हटके एक मोटिवेशन वीडियो है आज के युद्ध के लिए। जो भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं, जो भी यूट्यूब से जिनकी एक सोच होती है कि मुझे यूट्यूब से पैसे अर्न करने हैं, जिनकी एक सोच होती है कि मुझे यूट्यूब से फेमस होना है, जिनकी एक सोच होती है यार यूट्यूब पे पैसों की कमाई सच में होती है या नहीं होती है, तो आज इन सारी चीजों का मैं तुम्हें बता दूंगा कि हाँ यूट्यूब पे कमाई कैसे होती है, यूट्यूब किन वीडियोस को रीच देता है, यूट्यूब पे किन वीडियोस पे ज्यादा रीच आती है, कैसी वीडियोस लोग पसंद करते हैं, यूट्यूब पे लोग क्यों आते हैं, क्या पैसा कमाना इतना आसान है। बहुत सारे सवाल है हम सबके दिमाग में, तो आ जाओ आज खत्म करते हैं अपने ये सारे सवालों को। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिना मत भूलना दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल जो है लोगों के दिमाग में क्या चलता है, बहुत सारे सवाल चलते हैं यार पैसा आएगा YouTube से, यार पैसा कितने दिन में आएगा YouTube से, यार कितना पैसा आएगा YouTube से, यार मैं फेमस हो जाऊंगा, कितने जल्दी फेमस होऊंगा, कितने जल्दी नहीं फेमस होऊंगा। सब इसलिए ही आते हैं क्योंकि सबको पैसा चाहिए, इस YouTube के भीड़ में सबको पैसा चाहिए दोस्तों, सबको पैसा चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो आता है ना, हाउ टू मेक मनी इन YouTube बाई अपलोडिंग वीडियो, क्या इतना आसान है पैसा कमाना, क्या मैं आप और ये सारे लोग इतने आसानी से पैसा कमा लेते हैं, क्या अमित बड़ाना, क्या बीबी गिवाई से इतने जल्दी फेमस हो गई, कितना टाइम लगा उन्हें फेमस होने में, यार जाओ उनका YouTube चैनल पे अबाउट चेक करके आओ, वो 10-10 साल उन्होंने मेहनत करी है तब जाकर वो आज एक इनकम जनरेट कर पा रहे हैं YouTube से, तब जाकर। बट आजकल के लोग क्या सोचते हैं यार, इतना आसानी YouTube पे पैसा बनाना कि हमने वीडियो डाली, हमारी वीडियो फेमस हो गई और हमें अगले दिन से पैसा मिलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को मोनिटाइज करना होगा, मोनिटाइज करने के लिए 4000 घंटे लगते हैं, 4000 घंटे दोस्तों, 4000 घंटे इतने आसान नहीं है जितने आसान हमें दिखते हैं, घोड़े खुल जाते हैं 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर करने में। 4000 घंटे के बाद आपको, 4000 घंटे के बाद आपको जाकर थोड़े से पैसे मिलना स्टार्ट होते हैं YouTube से। जितना आसान हम सोचते हैं ना, उससे कई ज्यादा मुश्किल है YouTube पे पैसा कमाना। ठीक है, बट हाँ मैं ये जरूर कहूंगा, जिस दिन आप फेमस हो गए ना, जिस दिन आपकी वीडियोज पे रीच आने लग गई, उस दिन आप इतने पैसे कमा सकते हो जितने आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितने पैसे YouTube से कमा सकते हैं। ठीक है, अब चलो बात करते हैं कि YouTube पे किस तरीके की वीडियो जल्दी वायरल होती है, क्या कंटेंट हमें बनाना चाहिए, कैसे कंटेंट हमें बनाना चाहिए। तो बात करते हैं हम कंटेंट की, कंटेंट हमारे अंदर छुपा होता है यार, ना कि मैं मोटिवेशन वाली वीडियोज बना सकता हूं। अगर मैं एक फनी लड़का हूं ना, तो मेरे अंदर कोई ना कोई फनी चीज है, मुझे बोलना पसंद है, मुझे फनी गालियां देना पसंद है, मेरे अंदर बहुत सारी फनी चीजें भरी हैं जिससे मैं रियल लाइफ में लोगों को बहुत ज्यादा हंसाता हूं। ठीक है, कुछ लोगों के सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट भरा होता है, कोई सिंगर होता है, कोई डांसर होता है, कोई मोटिवेशन होता है, किसी को ये काम पसंद है, किसी को वो काम पसंद है, दुनिया में सब इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज होती होती है। तो जाओ सबसे पहले अपने अंदर देखो कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, आप किसी की भी कॉपी मत करो, आप ये मत देखो यार कि ये बंदा मोटिवेशन वीडियो बना रहा है तो इसके वीडियोस पे लाखों करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, या ये बंदा फनी वीडियोस बना रहा है तो इसके फनी चैनल पे करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, तो उसने वो मेहनत करी है भाई, उसने वो दिया है। अगर मैं फनी नहीं हूं ना अंदर से, मैं दिल से अगर फनी नहीं हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा वो फनी काम, मैं एक दिन कर लूंगा, 2 दिन कर लूंगा, 10 दिन कर लूंगा, 20 दिन कर लूंगा, उसके आगे नहीं कर पाऊंगा। और जब तक मेरे दिल के अंदर से कोई चीज नहीं निकलेगी ना, तो मैं वो चीज दिल से कर ही नहीं पाऊंगा और वो चीज फेमस हो ही नहीं पाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले अपने अंदर झांको कि क्या तुम फनी कंटेंट बना सकते हो, क्या तुम एक सिंगर हो, क्या तुम एक डांसर हो, या क्या हो, तुम अपने अंदर देखो कि तुम क्या हो। ठीक है, उसके बाद तुम यूट्यूब पे आओ। और यूट्यूब लोग क्या करते हैं, पहले कैमरा खरीद लेते हैं, कंप्यूटर खरीद लेते हैं, DSLR खरीद लेते हैं, आईफोन खरीद लेते हैं, सब खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें तमीज ही नहीं होती कि मुझे किससे वीडियो बनानी है, मुझे कैसे वीडियो बनानी है, मुझे वीडियो एडिट किस ऐप से करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब ये नहीं कहता कि आपके पास अगर सारी चीजें होंगी तो ही आप फेमस होंगे। एक चाय बेचने वाला भी फेमस हो रहा है और एक अच्छा स्टूडियो वाला भी फेमस हो रहा है। ठीक है, एक डॉक्टर भी फेमस हो रहा है यूट्यूब पे
और एक झाड़ू लगाने वाला भी फेमस हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर तुम डॉक्टर हो तो ही फेमस हो गए, या अगर तुम मोमोज का ठेला लगाते हो तो तुम फेमस नहीं हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब पे डॉक्टर भी वही इंसान है, यूट्यूब पे ठेला लगाने वाला भी वही इंसान है। क्या पता डॉक्टर फेमस ना हो, ठेला लगाने वाला फेमस हो जाए। तो ये कभी मत सोचना कि यार मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, मेरे पास अच्छा DSLR नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास शुरुआत में वीडियो एडिट करने के लिए अच्छा कंप्यूटर नहीं है, मुझे ग्राफिक कार्ड चाहिए। इतना पैसा मत फेंको, मेरी बात मानो, छोटे से स्टार्ट करो। तुम्हारे पास जो फोन है तुम उससे वीडियो बनाना स्टार्ट करो। तुम बहुत सारे ऐप आते हैं यार, तुम VN ऐप डाउनलोड कर लो। मैं भी VN से ही वीडियो एडिट करता हूँ। अब मेरे पास जाकर कैमरा भी आ गया है, कंप्यूटर भी आ गया है। ठीक है, मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट करा था ना, मेरा एक और बहुत पहले चैनल था, तब मेरे पास DSLR तक नहीं था। मैं दोस्तों से DSLR ले लेकर वीडियोस बनाता था, और उस चैनल पे मेरे 20-20 हज़ार व्यूज आने लग गए थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा फोन चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फोन तुम्हारे पास है उठाओ, वीडियो बनाओ। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन लगेंगे। आज तुम्हारे पास 10 व्यूज आ रहे हैं ना, तो मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि 20 दिन बाद वो 150 व्यूज जरूर होंगे। तो ये कभी मत सोचो कि यार मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं मोटिवेट नहीं हो पा रहा हूँ। मैं 24 घंटे अपना YT स्टूडियो खोल कर चेक करता हूँ, आज 10 व्यूज आए, कल 15 व्यूज आए। मत करो ऐसा कुछ। तुम ये सोचो ही मत कि तुम YouTube पे पैसे कमाने आए हो। तुम बस अपनी वीडियोस अपलोड करते रहो, करते रहो, करते रहो, मत रुको। बट हाँ, वीडियो की एडिटिंग अच्छी रखो। ठीक है, VN डाउनलोड करो। VN नहीं यूज करना आता है, मेरे नीचे कमेंट करके बताओ, मैं एक वीडियो बना लूंगा कि VN कैसे यूज करते हैं, वीडियो कैसे एडिट करते हैं, कैसे कैसे क्या करते हैं, क्या क्वालिटी चाहिए तुम्हें वीडियो की, वीडियो क्यों अपलोड करना चाहिए, कैसी वीडियो अपलोड करना चाहिए, मैं सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा। कमेंट करके मुझे बताना, जिसे VN चलाना नहीं आता। बहुत ऐसे लोग हैं यार, बहुत ऐसे दुनिया में लोग हैं जो वीडियोस बनाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा फनी है, बट कैमरे को देखकर बहुत ज्यादा शाई हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि यार मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, मेरे अंदर क्या खूबी छुपी है, मैं क्या बोलूं लोगों के सामने। वो इतना शर्माते हैं। शर्माना बंद करो, अपना अपना कैमरा उठाओ, वीडियो बनाना स्टार्ट करो। कुछ कुछ भी नहीं आता ना, मतलब मैं कह रहा हूं तुम जीरो, दुनिया जीरो से स्टार्ट करती है यार। जाकर कैरी मिनाटी की वीडियोस देखो, जाकर बीबी की वाइंस की वीडियोस देखो, सब छोड़ो, बीबी की वाइंस की वीडियो देख लो। वो एक घर पे बैठ के एक फोन से बंदा वीडियो बनाता था, और आज उस बंदे को देख लो कि वो इतने ऊपर पहुंच चुका है ना, जहां तक कभी हम नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो उसने भी उसी फोन से शुरुआत करी थी, तो तुम क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों कर सकता है। मैं बस ये कहना चाहता हूं, जाओ अपना फोन उठाओ, वीडियो बनाओ, जैसी भी बना रहे हो, जितने भी फनी हो, फनी नहीं हो, कोई भी कंटेंट बनाते हो, गाना गाते हो, जाओ अपनी वीडियो सामने, कैमरा लगाओ, एक ट्राईपॉड ले आओ, 100 से 200 रुपए का मिलेगा कैमरा, उसमें लगाओ। अच्छा अच्छा फोन नहीं है, एक माइक खरीद के लिए आओ बोया का। ठीक है, आवाज अच्छी आनी चाहिए, एक माइक खरीद के लिए आओ बोया का। 1000 रुपए का खर्चा आएगा, एक माइक, एक ट्राईपॉड, फोन उसमें लगाओ, वीडियो बनाना स्टार्ट करो। गाना गाते हो, फनी चैनल बनाते हो, व्लॉग बनाना चाहते हो, मीम्स बनाना चाहते हो, दुनिया में इतने कंटेंट है यार, इतने कंटेंट है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आज अपना फोन उठाओ और बनाना स्टार्ट करो, और आज से लेकर पूरे 100 दिन तक वीडियो बनाओ। और अगर 100 दिन में तुम्हारे वीडियोज पे 1000 व्यूज ना आए ना, तो मेरे पास आ जाना। अगर 1000 व्यूज नहीं आते हैं ना, तो मेरे पास आना और मुझे गालियां दे देना। लेकिन मैं चाहता हूं पूरा YouTube, जो खाली देखने भी आता है ना दुनिया में यार, 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं क्या, 24 घंटे में से तुम 10 मिनट का कंटेंट अपने लिए नहीं निकाल सकते यार। वो कंटेंट तुम्हें आगे जाकर फायदा देने वाला है। ठीक है, अभी तुम्हें लगेगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इस टाइम में कुछ और कर लेता तो। लेकिन तुम कुछ और नहीं कर पा रहे हो। फोन उठाओ, वीडियोज बनाना स्टार्ट करो और यूट्यूब पे डालो। ठीक है, अभी YouTube ने अपनी न्यूज निकाली है कि अब YouTube पता है क्या कर रहा है, अब 4000 घंटे को छोड़कर 2000 घंटे में चैनल मोनिटाइज कर रहा है। दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज है, 2000 घंटे में चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। 1000 सब्सक्राइबर बहुत छोटी चीज है, अगर लोगों को तुम्हारी वीडियो पसंद आएगी ना, तो तुम 1000 सब्सक्राइबर तो बहुत आसानी से कर सकते हो दोस्तों, बहुत आसानी से कर सकते हो। बट ये जो 4000 घंटे थे ना YouTube से हटाकर, खाली 2000 घंटे में आपका चैनल मोनिटाइज कर देगा। जैसे 2000 घंटे पूरे हो जाएंगे, आपके चैनल्स पे ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे और आपको इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए 2023 तक वेट करना होगा। 2023 1 जनवरी
2023 आपका चैनल 2000 घंटे में मोनिटाइज होने वाला है। तो इतनी अच्छी न्यूज है यार। और अब तो शॉर्ट बनाने वाले को भी पैसा मिलेगा, पहले शॉर्ट्स बनाने वालों को कोई पैसा नहीं मिलता था, अब शॉर्ट्स बनाने वालों को भी पैसा मिलेगा। तो जाओ शॉर्ट्स बनाओ, इंस्टा पे शॉर्ट्स बनाते हो वही शॉर्ट यूट्यूब पे अपलोड करो, यहां पे कंटेंट बनाते हो वही कंटेंट आप फेसबुक पे अपलोड करो, वही कंटेंट यूट्यूब पे अपलोड करो, वही कंटेंट इंस्टाग्राम पे अपलोड करो और पैसे कमाना स्टार्ट करो। बट ये सोच के मत आना कि मुझे स्टार्टिंग में एक साल तक कुछ पैसे मिलने वाले हैं। दिमाग से ये वहम निकाल देना कि मुझे एक साल से पहले पैसे मिलने वाले हैं। एक साल इतनी मेहनत करो जितनी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर है, तुम्हारे पास कैमरा है, तुम्हारे पास अच्छा आईफोन है, तुम्हारे पास लाइटिंग है, तुम्हारे पास अच्छा स्टूडियो है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना तो भी कोई बात नहीं। मेरे पास भी कुछ भी नहीं है यार, मेरा पीछे का बैकग्राउंड देखो कैसा है। मेरे पास मेरी अच्छी क्वालिटी वाला कैमरा नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर अच्छा नहीं है, तो इसका क्या मतलब मैं वीडियो बनाना बंद कर दूं, मैं फेमस नहीं हो सकता? ऐसा कुछ भी नहीं है। जाओ फेमस हो, वीडियो बनाओ और पैसे जनरेट करना स्टार्ट करो। तुम पढ़ाई नहीं करी तुमने, कोई बात नहीं। तुम जॉब नहीं करते, कोई बात नहीं। बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो तुम सबको बिना डिग्री के पैसा कमाने का जरिया दे रहा है। दोस्तों पैसा कमाने का जरिया दे रहा है बिना डिग्री के, ठीक है? तो इससे अच्छी जॉब कहीं नहीं मिलेगी। सोचो तुम एक जॉब करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तुमने एक अपना नया स्टार्टअप खोला है, स्टार्टअप इतने जल्दी नहीं चलता है ना, तो बस वही सोच लेना कि यूट्यूब से भी इतने जल्दी पेमेंट जनरेट नहीं होगी। होगी, एक साल वेट करो, तुम अपनी सोच से भी ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जितनी तुमने सोची भी नहीं होगी। अपने अंदर झांको और अपने टैलेंट को लाओ और यूट्यूब पर डालना स्टार्ट करो, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिना मत जाना दोस्तों। मिलते हैं कल किसी और ऐसे ही वीडियो में। और अगर तुम्हें कोई भी इंक्वायरी चाहिए होगी ना कि मैं किससे वीडियो एडिट करूं, अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर है तो तुम किससे वीडियो एडिट करो, मैं फोटोशॉप चलाना जानता हूं, ठीक है, प्रीमियर प्रो चलाना जानता हूं, आफ्टर इफेक्ट मैं सीख रहा हूं, अगर तुम्हारे पास यूट्यूब है तो तुम इन सब से, अगर तुम्हारे पास एक अच्छा कंप्यूटर है तो तुम इन सब से भी पेमेंट जनरेट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग का काम ले सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी इंक्वायरी चाहिए होगी मुझे कमेंट करके बताना, मैं तुम सबको बता दूंगा कि मैं फ्रीलांसिंग का काम कैसे करता हूं, मैं अपने प्रीमियर प्रो से कैसे पैसे जनरेट करता हूं, मैं फोटोशॉप से कैसे लोगों से काम लेकर उससे पैसे जनरेट करता हूं, सारी चीजें तुम्हें बता